हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे। भगवान का आशीर्वाद से सुबह का भी साथ बज चुका है। मेरा काम हम खत्म करके जा रहा है, नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ता में आलू पूरी पोस्तो बनाएंगे। पहले कुंदरी आलू को थोड़ा फ्राई करके फ्राई कर लिए हैं। पोस्तो पीस भी लिए हैं, गोटा पोस्तो भी थोड़ा डाल रहे हैं। इसमें पोस्तो पिसा हुआ है, जीरा पोस्तो मिर्चा हल्दी पाउडर है थोड़ा सा। मसाला में तेल छोड़ चुका है, देखिए कुंदरी आलू जो फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए। कुंदरी आलू पोस्तो बन के तैयार हो गया है। नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके बर्तन नहीं धोए अभी। आलू और फूलगोभी का कड़ी करेंगे बोल के काट के रख दिए हैं। कलमी साग अभी चुन रहे हैं, उसको काटेंगे। कलमी साग को चुन के रखे हैं, काटेंगे। फूलगोभी आलू काट के रख दिए हैं, कड़ी बनाएंगे बोल के। नाश्ता करके बर्तन धो के सब्जी उब्जी भी काटनी है, मसाला भी तैयार कर लिए हैं। फूलगोभी आलू का कड़ी ना आजकल फूलगोभी अच्छा नहीं लगता, लाए तो क्या करें बाजार से। गर्मी में ना फूलगोभी का ठंडी में जितना स्वाद है, अभी गोभी का इतना स्वाद नहीं है। तभी भी तो लाए हैं, तभी लाए हैं, क्या करेंगे। उसको भी बनाएंगे, थोड़ा उबाल लेते हैं, फिर बाद में उसको मसाला वसाला दे के कड़ी बनाएंगे। गर्म पानी में उबाल ले रहे हैं आलू भी फूलगोभी भी, उसमें थोड़ा उबाल भी जाएगा अच्छा से, उसका सेंध थोड़ा रहता गर्मी में वो भी छूट जाएगा। दही बैठाई है, दूध गर्म कर रहे हैं, उधर बेटी रोटी बना रही है। दूध को बढ़िया से गर्म करेंगे तब जाके बढ़िया से दही बैठेगा। दूध को बढ़िया से गर्म कर लें, देखिए दूध दूध खोल रहा है, बढ़िया से उबल गया है। डिनर बनके तैयार हो गया, अभी सब्जी नहीं बनाया। सुबह का जो आलू कुंदी पोस्तो था वही डिनर करने हैं। सब कोई बर्तन भी धो लिए, दूध जो उबाल रहे थे ना बढ़िया से दूध उबाल गया, उसको भी ठंडा करने के लिए दे दिए। हल्का सा ठंडा होगा तब जाकर दूसरा बर्तन में दही जो खट्टा दही जो रखे हैं फ्रिज में उसको हल्का सा लीप के फिर वो जो उबला हुआ दूध उसमें डाल के रख देंगे। ठंडी में करते हैं तो उसको कम्बल ओढ़ा देते हैं, अभी ठंडी नहीं है गर्मी है, बाहर रख देंगे। 12-1 बजे के बाद देखेंगे दही बैठ गया तो फ्रिज में उसको रख देंगे। 2004 में जब हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था ना, तब मेरा दीदी, मेरा छोटा दीदी, बड़ा दीदी सब कोई तैयार, मतलब वीआईपी वीआईपी तैयारी करके सब कोई मेरा ससुराल आएंगे बोल के निकले थे। मेरा ससुर का भी उस टाइम डेट हो गया था, हम लोग भी तैयार हो रहे थे जाएंगे बोल के, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था ईश्वर को, इसीलिए ना हम लोग का एक्सीडेंट हो गया 2004 में। तब मेरा दीदी लोग ना आके यहाँ का जमशेदपुर का जो TMH अस्पताल ना सबको यहाँ पहुँच गए। इसी तरह इस साल भी 2022 में भी यही है दुर्घटना, जब हम लोग तैयार हो रहे थे गांव जाने के लिए, हम पूरा तैयार था। मेरा फ्रेंड एक तो बिलासपुर रायपुर तरफ रहती है, तो हम ना उसको फोन करें तुम्हारे ही ना, तो हम बोले हाँ हम 13 तारीख को आ रहे हैं, तो हम बोले 15-16 तारीख को मेला है, तो हम बोले हम भी तुम 13 तारीख जाओ, हम 14-15 को पहुंच रहे हैं, यही बोले। हम लोग को बात हुआ लेकिन क्या करें, दूसरा तरफ और हम लोग को खींच रहे हैं,
फोन आ गया दीदी का घर से, दीदी का बेटा का तबीयत खराब हुआ बोल के हम लोग उधर चले गए। हम रोज वहाँ इतना हम लोग का ये तकलीफ था ना, मुसीबत था, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहे। आज मेरा ब्लॉग का जो वॉच टाइम है ना वो घटते जा रहा है, इसीलिए क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉग वहाँ नहीं दे पा रहे थे, फिर वो बच्चा डेट कर गया उसमें तो और तकलीफ है, हम लोग कैसे ब्लॉग बनाए उसमें। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे मन को सुधार करके फिर ब्लॉग बनाने के लिए। ब्लॉग बनाएंगे तो शायद मेरा वॉच टाइम फिर ऊपर चल ये ऊपर खींचेगा खींचेंगे तो फिर इसीलिए मतलब अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा। कर रहे हैं थोड़ा बहुत डांस उन्स तो करने को मन नहीं है, तभी भी कोशिश करेंगे देखेंगे। हंसते हंसते रोना चाहिए, रोते रोते हंसना चाहिए आदमी को, यही करना पड़ेगा, क्या करें। आज बेटी ये जॉब कर लिए, ये करने गई थी इंटरव्यू देने गई थी, बोला मम्मी हम जैसे सब भूल गए हैं, वहाँ जो टेली और ये का हो रहा था मतलब एग्जाम में, बोला मम्मी मेरे को कुछ भी याद नहीं, मेरा जैसे सब हो गए हैं। अभी एक महीना जो प्रॉब्लम हुआ हम लोग का ना, इसी में जैसा हम भी ना बात करते करते सोचते कुछ गलत तो नहीं बोल रहे ना, सही तो बोले हैं ना, ठीक से बोले हैं ना, इसीलिए हम अपने आप को मतलब समझ नहीं पा रहे सही बोल रहे हैं कि गलत। उसको भी शायद ऐसे ही हो रहा है, एग्जाम देने गया बोला मम्मी हम सब जी से भूल गए, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। हम बोले क्या करेगी, ठीक होगा धीरे धीरे। वो खाना कुछ भी नहीं खा के गई थी, सुबह एक पीस रू पराठा खा के गई थी, फिर ये आ करके थोड़ा नहीं दो ये चावल नहीं खाई, दो ठो रोटी खाई, और अभी फिर जो डिनर में रोटी पराठा बनाए थे उसमें से दो वो खाई। हम बोले थोड़ा थोड़ा करके खाओ तब खाना भी शुरू हो जाएगा और शरीर का अंदर में जो दुर्बल है ना वो भी हट जाएगा। जो भुवनेश्वर में भी नहीं खाना खाती थी ना, यहाँ जाने का पहले सोमवार उपवास करती थी, एक ही दिन में सोमवार दूसरा दिन शिवरात्रि, इसीलिए बहुत तकलीफ। हम बोले यहाँ करते करते वहाँ जाके कर भी एकदम महीना बोली शिवरात्रि हम लोग का जैसा हो गया, इसीलिए हम बोले ना थोड़ा थोड़ा करके खाओ तब शरीर ठीक हो जाएगा। बोलते नहीं मम्मी नहीं तो मेरे को भी अस्पताल जाके सलाइन चलाने पड़ेगा। हम बोले नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, दूध और लीस पियो। बोलते नहीं दूध और लीस खाएंगे तो हम मोटा जाएंगे। यहाँ थोड़ा ज़्यादा गर्मी है, जमशेदपुर में थोड़ा ज़्यादा गर्मी है, मेरा दीदी का घर में जो हम थे ना वहाँ इतना गर्मी नहीं है, और भुवनेश्वर में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहाँ नज़दीक पूरी है ना, जैसे रांची में मौसम है ना वहाँ भुवनेश्वर में भी वही हाल है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगता है। इतना धूप में हम लोग 11:30 बजे निकलते थे, धूप रहता था लेकिन हवा चलता था। वैसे रांची में भी आप जाइए धूप है लेकिन हवा जो ना वो धूप को पता चलने नहीं देता है, यहाँ पर वैसे नहीं है। यहाँ पर गर्मी तो गर्मी है, बारिश हुआ आज, बारिश हुआ हल्का सा, तभी भी वो बारिश जैसे कुछ काम का नहीं है, जैसे और ज़्यादा गर्मी बढ़ा दिया है। जब कोई दुख आता है ना उस टाइम ना आदमी को ना सब सिखा देता है, दुख सहने का भी और सब कुछ तकलीफ उस टाइम आदमी को सिखा देता है, जिस सहने कैसे मतलब आदमी को सहन करने पड़ता है। जब कुछ चीज खो जाता है ना, जैसे सोना चांदी कुछ भी है कुछ भी हो खो जाता तो मन में आस लगा रहता है कहीं मिलेगा कहीं मिलेगा, कहीं भुला गया खोजते रहते हैं। लेकिन जो क्या बताएं आप लोग को, जो आदमी जवान लड़का चाहे जवान बेटी चाहे कुछ भी वो चले जाते तो ना वो खोजने से भी कहीं नहीं मिलेगा, जो कहाँ से उनको अच्छाई परछाई कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उनको देखने मिलेगा ना उनका बात आवाज। आजकल जो वीडियो वीडियो करके रखने हैं वो तो ओरिजिनल नहीं है ना, वो पहले का है, वही देख के आदमी मन को भुला लेगा, क्या करें, वही देखेंगे नहीं सोचते हैं, तकलीफ लगता है फिर थोड़ा देर बाद देखते हैं तो रोना आता है, क्या करेंगे। वही देख देख के हम लोग जो माँ मौसी है ना वही मतलब हम लोग का दिल को संभाल लेंगे, और बाकी जो
जिसको तकलीफ नहीं है ना कोई डेट का जाने से कुछ, उसको मतलब रोने का भी कुछ मतलब नहीं है उसका, और उसका तकलीफ भी नहीं है, उसका मतलब जो शरीर का अंदर जो दुख दर्द है ना वो नहीं है। कोई कोई आदमी का होता है ना दुख दर्द नहीं है, और कोई कोई आदमी तुरंत एकदम इमोशनल हो जाता है, वही बात। इसलिए अब ना हर बार दीदी का घर जाने से कुछ ना कुछ हम लाते थे वहां से, इस बार ना कुछ नहीं लाए। उनका पेड़ का जो नारियल है ना वही बेटा, क्या पता नौ गुना कितना पेड़ से ये काटा था नारियल को पेड़ से, कोई लकड़ी से मतलब उसमें लोहा लगा हुआ है उससे तोड़ा था, वही नारियल वो खुद भी छोड़ा करके लाया, एक तो वहां तोड़ा था शायद और 8 गो लाया था उसी में, एक गो वहां से लाने से सोचते हैं कम नारियल लड्डू बनाएंगे क्या करेंगे, वही सोचते थे। अभी है ना रोज बच्चा लोग बोलता मम्मी और नारियल इतना अच्छा से पका नहीं था, ये लोग डाब खाने खाने के लिए तोड़ा था लेकिन वो नारियल हो गया नारियल लेकिन ठीक से पका नहीं है, थोड़ा अच्छा से पक जाने से वो नारियल ज्यादा दिन रहता है, तो इसीलिए बच्चा लोग बोला मम्मी नारियल का लड्डू बना दीजिए, हम बोले ना बनाने को मन नहीं है, रोज बोलते बनाने को मन नहीं है, इसीलिए देखते हैं बना देंगे, इतना मेहनत से उतना दूर से मतलब लेके आए हैं तो बना देंगे एक दिन नारियल का लड्डू। कुछ भी बनाने को मन नहीं है, बच्चा लोग को दही खाने का मन है, खरीद करके तो खा रहे हैं, बच्चा लोग बोलते हैं मम्मी आपका हाथ का दही अच्छा लगता है बना दीजिए, इसीलिए थोड़ा दूध गर्म करके दही बना दे रहे हैं। कुछ भी जैसा अच्छा चीज कुछ भी खाने को मन नहीं है, पता नहीं मछली बिना नाम नहीं चलते थे, मछली मेरे को इतना पसंद है रोज दिन से भी हम खा लेंगे, अभी तो मछली भी जैसे हमको नहीं भी होगा तो चलेगा ऐसे लगता, मछली बिना हम तड़पते थे लेकिन अभी मछली भी जैसा मेरे लिए, पता नहीं क्या हो गया मन को, ठीक होगा मन तो दुख का बाद सुख, सुख का बाद दुख आते रहता, लेकिन ये ऐसा दुख है कभी भी जिंदगी में सुख सुख आएगा लेकिन ये दुख कभी भी आदमी भूल नहीं पाएगा, इतना तकलीफ जिंदगी में मेरे को 2 बार झटका लगा, एक बार मेरा दिन पढ़ते थे 7 क्लास में मेरा दीदी डेथ कर गई, उस टाइम झटका लगा था, वो भी 30-35 साल का था, 2 बच्चा का माँ था, ये भी 32 साल का है और 1 बच्चा का बाप है, लेकिन करें तो क्या करें, इतना झटका उस टाइम लगा था, अभी भी वही हाल, और मेरा हम तो देख लिए 2 गो का और एच वाला भी डेट किए, उन लोग को भी देखे लेकिन ये लोग कमती एच का ना इसीलिए थोड़ा ज्यादा ये होता है, मेरा बच्चा लोग को लेकिन ये पहले बार हुआ ना वो लोग, मेरा बेटी को बहुत तकलीफ है, बहुत बहुत तकलीफ, बोलती है बोलता है अभी बोल रही थी मम्मी रक्षाबंधन आ रहा मेरे को बहुत याद आएगा, क्योंकि हर रक्षाबंधन में ना नहीं भी बांधने से ना अपना भाई को बांधता है, दोनों भाई को नहीं बांधने से भी वो लोग का लिए ना खरीद करके रख देता है, कोई पहले ना रक्षाबंधन का बाद भी आने से ना वो बांध देती थी, अब भी तो आएगा नहीं, इसीलिए बोल रही मम्मी रक्षाबंधन का दिन ना हम कहीं भाग जाएंगे, बोले कहाँ भाग जाएगी जहाँ भी जाएगी तेरा या तेरे को याद आएगा, आज 2-3 साल रक्षाबंधन में वो नहीं आ रहा था, पहले कहीं भी रहे रांची में था फिर घर में भी रहता था वहां से भी दौड़ के आता था रक्षाबंधन, पहले बड़ा बेटा भी आता था वो भी काम में ज्यादा लगा रहता है इसीलिए वो भी नहीं आता है, किसी का नजर लग गया कोई डायन का नजर लग गया, इतना सुंदर अच्छा गोल मोटल बच्चा किसी को पसंद नहीं है, कोई डायन का ना नजर लग गया उसका पति इसीलिए इसे ही हो गया, डायन है ना जो होता है बोलता है डायन उन है बोल के, वही डायन का नजर लग गया हमको लग। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुड नाइट बाय।